नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपर्णा दीक्षित है और सभी को मेरा सतरंगी सलाम। आज निश्चित दिल्ली के लिए मैं अपनी पसंदीदा कवित्री विसावा सिम्बोस्का की दो कविताएं पढ़ना चाहूंगी। विसावा सिम्बोस्का पोलैंड की कवित्री है और उन्होंने अपनी ज्यादातर कविताएं, मतलब अपनी कविताएं उन्होंने पोलिश भाषा में ही लिखी, जिन्हें बाद में अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद उनका किया गया तमाम कविताओं का। अगर हम विसावा की कविताओं को देखने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि उनकी कविताओं में मजबूत राजनीतिक चेतना है और वो मानवता के पक्ष में खड़ी होती है। मुझे लगता है कि विसावा की कविताएं आज के दौर में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, तो आज मैं उनकी दो कविताओं का पाठ करना चाहूंगी, बीतती सदी में और खोज। पहली कविता है बीतती सदी में। आखिर हमारी सदी भी बीत चली है, इसे दूसरी सदियों से बेहतर होना था, लेकिन अब तो यह अपने गिने चुने साल पूरे कर रही है। इसकी कमर झुक गई है, सांस फूल रही है। कितनी ही चीजें थी जिन्हें सदी में होना था और जो नहीं हुई, और जिन्हें नहीं होना था हो गई। खुशी और वसंत जैसी चीजों को और करीब आना था, पहाड़ों और घाटियों से उठ जाना था भय और आतंक का साया, इससे पहले कि झूठ और मक्कारी हमारे घरों को तबाह करते, हमें सच की नींव डाल लेनी थी। कुछ समस्याएं थी जिन्हें हल कर लेना था, मसलन भूख और लड़ाइयां। हमें बेबसों के आंसुओं और सच्चाई जैसी चीजों के लिए अपने दिल में सम्मान जगाना था, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। आज हालात ये है कि सुख एक मरीचिका बनकर रह गया है। कोई नहीं हंसता बेवकूफियों पर और ना ही फक्र करता है अकलमंदी पर। अब तो उम्मीद भी एक 16 साल हसीना नहीं रही। हमने सोचा था आखिरकार खुदा को भी एक अच्छे और ताकतवर इंसान में भरोसा करना होगा, लेकिन अफसोस इस सदी में इंसान अच्छा और ताकतवर एक साथ ना हो सका। आखिर हम जिए तो जिए कैसे, किसी ने खत में पूछा था। मैं भी तो उसे यही पूछना चाहती थी। जैसा कि आप देख चुके हैं, वही होता है, हर बार वही होता है सबसे अहम सवाल, सबसे बचकाने ठहरा दिए जाते हैं। सिम्बोस्का की दूसरी कविता जिसका शीर्षक है खोज, और जो मेरी बेहद पसंदीदा कविता है और मेरा इस कविता के साथ एक जुड़ाव भी है, तो कविता खोज देखिए। मेरा यकीन एक महान खोज में है, मेरा यकीन उस आदमी में है जो ये खोज करेगा, मेरा यकीन खोज करने वाले आदमी के भय और आतंक में है, मेरा यकीन खौफ से सफेद पड़ते हुए चेहरे में है, उसकी आशाओं में ठंडे पसीने से भीगे उसके होठों में, मेरा यकीन है उस घड़ी में जब वो एक एक करके अपनी नोटबुकें जला देगा और जलाकर राख कर देगा, हवा में उड़ा देगा अपने सारे फॉर्मूले और समीकरण बिना किसी पछतावे के। मुझे उस आदमी की फुर्ती ने मजबूती से उठे उसके हाथों में, उसके निर्णय की स्वतंत्रता में यकीन है। मेरा यकीन है वो एक दिन सारी गोलियां खिड़की से बाहर फेंक देगा, नाली में बहा देगा रासायनिक द्रव्य और लैम्प की नीली लौ बुझाकर खो जाएगा कहीं। मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वक्त रहते संभल जाएगा सब कुछ, लेकिन निर्णय के इस क्षण का कोई गवाह नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा कि आखिर हुआ क्या था। न उसकी पत्नी को, न प्रयोगशाला की दीवारों को, और ना ही खिड़की पर गाते पंछी। मेरा यकीन है इनकार करने की ताकत में, मेरा यकीन है कामयाबी का रास्ता छोड़ने वालों में, मेरा यकीन है बरसों की बर्बाद मेहनत में, मेरा यकीन है उस राज में जो उसके साथ कब्र में चला जाएगा। मेरे लिए इतिहास की तमाम रूढ़ियों और नियमों से बड़े हैं ये शब्द, इन्हें किसी दलील किसी मिसाल की जरूरत नहीं, मेरा यकीन मजबूत अंधा और बेबुनियाद है। धन्यवाद।